नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति के एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार आज हम आपको बताएंगे कि गरीबी आने से पहले कौन से मिलते हैं खास संकेत, जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने यह भी बताया है कि घर में गरीबी आने से पहले उनके संकेत मिलते हैं। इन संकेतों के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि भविष्य में घर की आर्थिक स्थिति कैसी हो सकती है। दोस्तों, चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य के विचारों को बताया गया है। इतिहासकारों के जानकार बताते हैं कि आचार्य चाणक्य को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों के बारे में बहुत गहराई से पता था। वह विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में दर्शन और कूटनीति का सही प्रयोग करना जानते थे। उन्हें महान बुद्धिजीवियों में गिना जाता है। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने यह भी बताया है कि घर में गरीबी आने से पहले उनके संकेत मिलते हैं। इन संकेतों के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि भविष्य में घर की आर्थिक स्थिति कैसी हो सकती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं और बहुत सारा धन इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आपको रोजाना सुबह उठते ही देवी लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सुबह का समय बहुत ही शुभ माना गया है और यदि आप ऐसे समय में पूजा करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएंगी। और मित्रों, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको अपनी पत्नी के साथ पूजा करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान माना गया है और यदि आप उसके साथ पूजा करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी और आप बहुत जल्दी एक मालामाल व्यक्ति बन जाएंगे। दोस्तों, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। अब चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं उन खास संकेतों के बारे में। दोस्तों, नंबर एक है परिवार में कलह क्लेश बढ़ना। आचार्य चाणक्य की मानो तो परिवार में क्लेश होना घर की आर्थिक स्थिति के लिए शुभ लक्षण नहीं है। बताया जाता है कि जिन लोगों के घर में ऐसा माहौल बना रहता है, उनके घर में धीरे धीरे दरिद्रता आने लगती है। संभव हो तो घर में ऐसा माहौल बनने से रोकें। और मित्रों, नंबर दो है तुलसी का पौधा सूखना। ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। कहते हैं कि अगर तुलसी का पौधा सूखता है तो इसका सीधा अर्थ है कि घर की आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है। जब कभी भी आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो तुरंत तुलसी का दूसरा हरा पौधा उसकी जगह पर लगाएं। और मित्रों, नंबर तीन है कांच का टूटना। कई लोग कांच का टूटना शुभ मानते हैं। इस नीति में यह मान्यता बताई गई है कि कांच का टूटना आर्थिक स्थिति के लिए अशुभ साबित हो सकता है। कहते हैं कि जिन घरों में कांच टूटता है उनमें आर्थिक संकट आने की संभावना बन सकती है। और मित्रों, नंबर चार है पूजा पाठ में देरी। बताया जाता है कि जिन घरों में पूजा पाठ और भक्ति का माहौल रहता है, ऐसे घरों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जो लोग अचानक पूजा पाठ से दूरी बना लेते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो बस यहीं तक था।